जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गांव वाला के समझ में नहीं आयो, फिर राग राग नहीं सुनायो, भोर भया भोर भया गहियन के पाछे तूने मधुबन मोहे पठायो, गांव वाला के फिर भी समझ में नहीं आयो। जैसे मैंने करे भोर भयो, तो दादी माँ रोने लगी, मेरी दादी माँ पे नजर पड़ी, मैंने करे भोर भयो, दादी माँ और ज्यादा रोए, रात भर रोएगी, भोर भयो करते करते दादी माँ के रोते रोते सुबह उठ के दादी माँ से मैंने पूछी, मन की दादी माँ पूरे गांव में आप अकेली ऐसी महिला हो जो हमारे भजन को समझी, बोलना गाँव वाले तो हमारे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगे कि नाना भजन वजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर ये कि यही बीमारी मारा बकरा के थी, रात भर वो करिया करिया सवेरे मरी गए। कमाल का सुन रहे हैं आप लोग, और जब आप जैसे हो तो वास्तव में कार्यक्रम सफल हो ही जाता है। मैं प्रणाम करता हूं, और मैं भी बहुत लंबी यात्रा करके आपके बीच में आया हूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे ऊर्जा मिली, वरना में आदरणीय लोकेश भैया पार्थ जी क्या होते हैं हम लोग, क्या होते हैं अगर आप नहीं होते तो, और मैं क्या होता मोदी जी अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो। कहीं काटो भरा जीवन बिता रहा होता है, सच्ची सच्ची बात कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं मैं, कहीं कहीं काटो भरा जीवन बिता रहा होता, गमों के गीत वीराने में गा रहा होता। मैं पंक्तियां कहें आपको सच्ची लगे और संवेद लगे तो तालियों में कोताही मत बरतना प्लीज। कहीं काटो भरा जीवन बिता रहा होता, गमों के गीत वीराने में गा रहा होता, सहारा मिलता नहीं गर जो तेरी महफिल का, कहीं ठोकर में जमाने की खा रहा होता। प्रणाम करता हूँ, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद का है कि लोग मुझे कैसा समझते हैं, लोकेश भैया लोग मुझे कैसा समझते हैं, इसके बावजूद भी आपका आशीष मिलता है, निर्मल जी बैठे हैं यहाँ पर, लोग मुझे कैसा समझते हैं, मस्ती लेना महामूर्ख कवि सम्मेलन में खड़ा हूँ, फिर पुनः कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने का प्रयास आपकी तालियों के बीच करता हूँ, लोग मुझे कैसा समझते हैं मोदी जी, कि कोई डिस्को समझता है, कोई डांडिया समझता है, कोई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। अच्छा कुआरे लड़के को देख के लोग कहेंगे देखो सांड जा रही है, कि हुई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। तूफान जी मस्ती लेना, किसी के प्यार में यारा हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता, लटोरी जी कहा क्या बढ़िया, मोदी जी मुझे बंबई ले गए कवि सम्मेलन करवाने के लिए, होली का कवि सम्मेलन, तो वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए, घूमट वाले वाले मोदी जी के पास में गए, अखिल जी के पास में होली की बख्शी दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया, वो अगले डब्बे में चला गया, इनको बड़ा गुस्सा है, वो इधर आओ इधर आओ, बेवकूफ समझ के रखा है ये, मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी की से पैसे नहीं लिए, तो सारे के सारे कहने लगे हम दिनेश देसी की से पैसे नहीं ले सकते, अरे पर क्यों नहीं ले सकते, कि साहब नहीं ले सकते, अरे क्यों नहीं ले सकते, कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। कंफ्यूजन हो जाता है साहब, और जब कंफ्यूजन होता है तब कोई बेवकूफ कहता है कि हम पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे, पाकिस्तान में भी एक पप्पू है
वो कहता कि हम पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे। अरे भाई पूरा का पूरा कश्मीर तेरे को कैसे दे देंगे लटोरे जी, कैसे दे देंगे? पूरा का पूरा कश्मीर नहीं देंगे पार्थ जी, नहीं देंगे। और उसका मात्र कारण इतना है मोदी जी कि पूरा का पूरा कश्मीर तो अभी हमारे पास नहीं है। साउंड बहुत बढ़िया है आपका, और साउंड जब बढ़िया है तो हम कश्मीर नहीं देंगे। साउंड का खेल होता है। पुराने जमाने में साउंड देखे होंगे आपने, टेप रिकॉर्डर, वो टेप रिकॉर्डर चलता और वोल्टेज ज्यादा कम हो जाता, गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में आता नहीं, हमारा गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि दो चार बुजुर्ग ढोकले निपट जाते। छोरों ने कैसेट लगा दी, जो वोल्टेज ज्यादा कम होता जो गाना बिगड़ता। मूर्ति गणेश की, गाना बिगड़ गया, वोल्टेज ज्यादा कम हो गया। अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो उस बेईमान से क्या दादाजी निपड़ गए बेचारे। दीदी वो नवरात्रि के समय डोगरी में निपड़ गए, दादी में निपड़ गए। छोरों ने कैसेट लगा दी नवरात्रि में, जो कैसेट उलझी। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनको नाम पुकारे। वो ईद के समय चाचा जी नहीं बोल गए, छोरों ने कैसे लगा दी। अच्छा उससे पहले आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी, वो चूड़ी का अटक जाते तो गाना वहीं का वहीं आ जाता था। आता था ना, साजन मेरा उसे पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तो कुछ पार नहीं जाता। वही अटक रहता था। राजकुमार भैया हमारे गांव में, छोरों ने पंकज उदास की गजल लगा दी, पंकज उदास जी की गजल लगा दी उसी ग्रामोफोन में, और जो गजल बजने लगी, डोली में जब बैठी बहना रस्ता देख रहे थे नैना, चूड़ी चल रही है और अटक रही है। मैं तो बाप हूं, मेरा क्या है तेरी माँ का। ताली बजाने तो चूड़ी यहीं अटकी रहेगी। साउंड बहुत बढ़िया है आपका। हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए। वो हमारे यहाँ पंडित जी साउंड वाला, भाई साहब बड़ा विचित्र मामला होता है साउंड वालों का, आपने देखा हो ना। वो हमारे यहाँ पंडित जी कथा करने के लिए आ गए और साउंड वाला भाई साहब ने मना कर दिया, मोदी जी माइक को हाथ मत लगाना करंट मारता है। वो करंट मार दिया साउंड माइक, और पंडित जी की आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की। उन्होंने कथा स्टार्ट की, सज्जने राजा कृष्ण छुट्टे मुनि से कहीं नहीं लगेगी, ये राजन नैना से जिस सत्ता नहीं, नैना दादा पापा को सजा की। करके मार दिया। साउंड बहुत बढ़िया आपका।